अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिही व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप के आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और इसी छोटी सी दुआ के साथ मैं आज का रेसिपी शुरू करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी तरफ स्नो जो है वो कितनी ज़्यादा पड़ चुकी है। ये देखिए कल पड़ी है, रात को सारी रात ही जो है वो पड़ती रही है थोड़ी थोड़ी। तो सारी ग्रीन जो है ग्रीनरी ग्रास, लोगों की छतें सब वाइट हो चुकी हैं, वाइट चादर बिछनी शुरू हो गई अल्लाह पाक की तरफ से। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको एंजॉय कराती रहूँगी स्नो। तो चलिए शुरू करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ अफगानी बीफ पुलाव। तो ये गोश्त मैंने इसके अंदर प्रेशर में डाल के रख दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो ये एक चम्मच, ये तकरीबन 2 किलो गोश्त है, ये 2 चम्मच मैंने डाल दिए लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। और अब डाल देती हूँ 1 प्याज और थोड़ा सा गर्म मिक्स मसाला और 1 चम्मच नमक का। ये सब डाल के तो मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। जी व्यूअर्स, देखिए गोश्त जो माशाल्लाह गल चुका है। तो मैंने बर्तन चेंज कर दिया है, तो ये सारे मसाले वही वाले हैं, मैंने कोई तड़का वगैरह कुछ नहीं लगाया, बस यखनी और गोश्त जो है वो इसमें निकाल दिया। तो अब मैं इसके अंदर चावल जो है वो 5-6 दफ़ा धो के मैंने भगो के रख लिया। 3 ग्लास चावल है और 2 किलो गोश्त है और तकरीबन 1.5 किलो 1.25 किलो चावल है। तो ये यखनी उबलने लगती है तो फिर इसके अंदर चावल डाल देते हैं। नमक डालूँगी जितना टेस्ट हम खाते हैं उतना टेस्ट करके। जी मेरे भैन भाइयों, देखो यखनी जड़ी उबलन लग गई। तो वैसे तो अफगानी पुलाव च ग्रीन चिली नहीं डालते सब्ज मिर्च, लेकिन मेरे हस्बैंड लाइक करते इसलिए मैं ये पा दी। को पसंद है कि ग्रीन चिली हो इसके अंदर। तो चावल जड़े हो गए, भगो के तकरीबन 10 मिनट हो गए रख दिते सी नीम गर्म पानी, तो हूँ वो भी पा दें। साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे। देखो जी चावल पा दिए मैं ये हूँ, माशाल्लाह देखिए खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। गोश्त भी माशाल्लाह चावलों ने ज़्यादा ही है, 1.5 किलो चावल है तकरीबन 1.25 किलो और 2 किलो गोश्त है। तो ये अब मैं पकने देती हूँ यखनी जदों तक कि चावलों से जज्ब ना हो जाए। देखो जी माशाल्लाह यखनी जो चावलों के साथ पक रही है। नमक समान टेस्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू जिन्ना असं खाने हैं। जी माशाल्लाह अभी तक तो बिल्कुल ठीक है नमक। देखो माशाल्लाह हम यकीन काफ़ी आज तक आई हो गए।
जो अफगानी पुलाव होता है उन्हें इस कोई प्याज वगैरह नहीं करता नहीं डालता, डायरेक्ट ही मेरे वहाँ डाल देते जाते हैं। फिर यखनी डायरेक्ट पा के पतीले चुके हुए चावल पा लेते हैं। ऑलमोस्ट देखेंगे चावल जज्ब हो चुकी है। हम इसी रूप से पा लेंगे ड्राई फ्रूट। जो कि काजू है, किशमिश, मेवा और बादाम है। यही ऐसे हम इसी रूप से पा देंगे। बिस्मिल्लाह। बस हम अच्छी मिनट बैठ दे रही हैं 10 से 15 मिनट तक। दम तो देख दिया, स्टोव बिल्कुल जो है वो मीडियम टू लो कर दिया है, तो 10 से 15 मिनट दम के बाद देते हैं। माशाल्लाह कहाँ तक पहुँची है पुलाव हमारा, अफगानी पुलाव। बिस्मिल्लाह। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बना है। इसको मैं डालती हूँ प्लेट में। स्टोव मैंने बंद कर दिया है। तो देखिए माशाल्लाह ये सब मिलके बैठ के खाते हैं। जो गोश्त है वो भी देखें किस तरह गल चुका है। ये देखें अल्लाह ताला आपके मेरे दस्तरखान में बरकत डाले। आमीन सुम आमीन।